देखिए, बंधत्व का जो प्रमुख कारण है उसमें पुरुषों का जो शुक्राणु से रिलेटेड केसेस होते हैं वो भी एक कारण होता है बंधत्व का। और स्वस्थ पुरुष का जो जब जांचोपरांत इसको जो पैथोलॉजिकल लैब में जांच होती है तो जांचोपरांत अगर स्वस्थ पुरुष का वीर्य की जो मात्रा है एक बार में अगर 3 से 5 मिलीमीटर होनी चाहिए जिसको कहते हैं, उसमें तो है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, न उसकी चलनशीलता होती है और न उसकी गतिशीलता रहती है, वो भी खत्म रहता है। शुक्राणुओं की संख्या है वो बिल्कुल न के बराबर होता है। इन सब चीज़ अगर देखने को मिलता है परीक्षण में तो आप तत्काल आयुर्वेद से बेहतर इलाज करा सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर है, जहां पर हम विभिन्न डॉक्टरों से जुड़ते हैं और बीमारी और उसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार फिर से हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में जुड़ गए हैं देश में ख्याति प्राप्त बिहार के चर्चित आयुर्वेदाचार्य फेमस सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेंदु पांडे सर के साथ हम जुड़े हैं। आज का विषय है नील शुक्राणु। इस नील शुक्राणु की वजह से कई समस्याएं पुरुषों के जीवन में और ख़ासतौर पे वैवाहिक पुरुषों के जीवन में ज़्यादातर असर डालता है, तो इसका निवारण क्या है, नील शुक्राणु क्या है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, सर से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर से आपका भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नील शुक्राणु सर आज का विषय है, क्या है नील शुक्राणु, सबसे पहले तो यही बताइए दर्शकों को। देखिए, बंधत्व का जो प्रमुख कारण है उसमें पुरुषों का जो शुक्राणु से रिलेटेड केसेस होते हैं वो भी एक कारण होता है बंधत्व का जी। और स्वस्थ पुरुष का जो जब जांचोपरांत इसको जो पैथोलॉजिकल लैब में जांच होती है तो जांचोपरांत अगर स्वस्थ पुरुष का वीर्य की जो मात्रा है एक बार में 3 से 5 मिलीलीटर होनी चाहिए और उसकी जो शुक्राणुओं की संख्या है वो 6 से 12 करोड़ होना चाहिए, उसकी चलनशीलता कम से कम 80% होनी चाहिए। और ये सब स्वस्थ पुरुष का लक्षण है जो कि बच्चों का बच्चा पैदा करने का क्षमता रखता है। अगर यही चीज़ सिर्फ उल्टा हो जाए, अगर वीर्य की मात्रा 1 से 5 मिलीलीटर कभी कभी देखने को मिलता है और उसकी जो शुक्राणुओं की जो संख्या है वह 3-4 करोड़ भी देखने को मिलता है, नहीं भी मिलता है, और उसकी जो एबनॉर्मल जो काउंट है वह 20% से अगर ऊपर है एबनॉर्मल स्पर्म्स, तो उस पीरियड में भी कोई पुरुष बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। ये तो हुआ एंजियोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, उसमें तो है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, न उसकी चलनशीलता होती है और न उसकी गतिशीलता रहती है और न शुक्राणुओं में जो दुम हिलाने की क्षमता रहती है 4 घंटे का वो भी नहीं रहता है। और पस सेल्स जो होता है वह रक्तमय और प्यूमय नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से आपका परीक्षण में आया सामने तो उसके अनुसार जो भी व्यक्ति अगर इफेक्टेड है तो उन्हें तत्काल आयुर्वेद का सेवा लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका बेहतर इलाज है जी। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन सब चीज़ों रहते भी बंधत्व का शिकार हो जाता है आदमी। सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी शिकार हो जाता है तो उस पीरियड में तो फिर मेल और फीमेल दोनों की जांच परीक्षण से गुजरना पड़ता है और उसके उपरांत भी सेक्सुअल डिजीज से कोई रिलेटेड कोई केसेस नहीं तो है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इलाज किया जाता है बंधत्व का। हम चल रहे थे नील शुक्राणु के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी जी। तो नील शुक्राणु यही है जो आपको पहले बताया जी। ना उसमें उसकी जो मात्रा है पूरा वो होती वो नहीं होता है, उसकी चलनशीलता तो भी खत्म रहता है, शुक्राणुओं की संख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इन सब चीज़ अगर देखने को मिलता है परीक्षण में
तो आप तत्काल आयुर्वेद से बेहतर इलाज करा सकते हैं। आयुर्वेद में इसका कोई कोर्स है कितने दिनों का, कि हाँ इतने दिनों तक कोर्स करना होगा तब जाकर ठीक होगा? नहीं, ये एंजियोस्पर्मिया में कोई कोर्स लिमिट नहीं है, क्योंकि यह एक बंजर भूमि के समान केस है, तो इसलिए इसका कोई कोर्स लिमिट नहीं है। और हर मनुष्य का शरीर का तासीर अलग होता है, कौन व्यक्ति क्या क्या चीज़ से इफेक्टेड है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, उसका हिस्ट्री, उसके उपरांत उसी के अनुरूप इलाज चलता है। चलिए देखिए, तो आयुर्वेद में अगर इलाज कराना चाहते हैं नील शुक्राणु का, तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, एड्रेस चल रहा है। आयुर्वेद में सफल इलाज है एंजियोस्पर्मिया का, और इस वजह से कहीं ना कहीं आयुर्वेद अब काम कर रहा है। तो सर से आप जुड़ने के लिए नीचे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस दिया जा रहा है, उस पर सर के क्लिनिक पे आ सकते हैं, समस्याएं उसका समाधान सर कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हेलो डॉक्टर में अन्य विषयों पर भी हम सर से जुड़ेंगे, बातचीत होंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।